वेलकम टू बॉलीवुड। दोस्तों, हमारा वो बॉलीवुड जो कभी मदर इंडिया, शोले, आनंद और मुगले आजम जैसी फिल्में बनाया करती थी, आजकल कहीं खो गई है। अब आज के एक्टर्स फिल्मों से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स बनाते हैं। हालांकि कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स जैसी चीज़ें 70s और 90s में भी होती थी, मगर इतनी घटिया और अपमानजनक नहीं। सीधी बात करें तो आज हमारा बॉलीवुड जहां दंगल, चक दे इंडिया, एयरलिफ्ट और थ्री इडियट्स जैसी फिल्में दे रहा है, वहीं कुछ एक्टर्स नेपोटिज्म के सपोर्ट से बॉलीवुड को खोखला कर रहे हैं। हालांकि नेपोटिज्म को साइड में रख के बात करें तो आजकल हमारा बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल से जूझ रहा है और ड्रग्स लेने के लिस्ट में कुछ बड़े सितारे भी शामिल हैं जो कि खुद को बॉलीवुड का गॉडफादर समझते हैं, मगर फिलहाल तो उनके पीछे उनकी असली फादर लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जिनका नाम ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला वो एक्ट्रेस जो कि 90s और 20s के आसपास एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी और इस दौरान उन्होंने दिल से, मन और गुप्त जैसी बड़ी फिल्में साइन की थी, मगर साल 2000 के आसपास उन्होंने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और इस आदत ने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनके ज़िंदगी को भी तबाह कर दिया और इस नशे की सज़ा के तौर पर उन्हें ओवेरियन कैंसर से जूझना पड़ा। हालांकि वो फिलहाल इस कैंसर से रिकवर कर रही हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अपूर्वा अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री। ये दोनों एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे और इस ड्रग पार्टी में कई और सेलिब्रिटीज़ भी पकड़े गए थे जो कि इलीगल ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। परदेश जैसी सुपरहिट फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद भी अपूर्वा अग्निहोत्री को बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाया और इस इंसिडेंट के बाद उनका करियर और भी नीचे गिर गया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं परवीन बाबी। परवीन बाबी वो एक्ट्रेस थी जो कि अपने करियर के दौरान हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्सीज और लाइमलाइट में रहती थी और उनकी अचानक से हुई मौत के बाद भी वो लाइमलाइट में रहती हैं। उनके ड्रग्स एडिक्शन की बात करें तो उन्होंने महेश भट्ट के साथ ब्रेकअप होने के बाद से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था जो कि आगे चलकर उनके लिए एक तकलीफ बन गया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं गौरी खान। गौरी खान बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की वाइफ होने के साथ साथ एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं और इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए शुमार है क्योंकि बर्लिन के एयरपोर्ट पर इनको ड्रग्स की छोटी सी मात्रा के साथ पकड़ा गया था। हालांकि पूछताछ के बाद गौरी खान ने यह कबूल किया था कि वो ड्रग्स उन्होंने खुद के लिए खरीदे थे। इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पर हैं संजय दत्त। संजय दत्त का नाम इस लिस्ट में होने में कोई हैरानी की बात नहीं है। संजय दत्त का अतीत हमेशा से ही ड्रग्स से जुड़ा हुआ था और साल 1982 में जब उन्हें ड्रग्स के नशे में पाया गया तब वो एक उभरते हुए सितारे थे, जिसके तुरंत बाद ही उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें US के रिहैब में भेज दिया। संजय दत्त ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपने ड्रग्स एडिक्शन के दिनों में कई तरह के ड्रग्स को लिया था। And there's a drug called adrenaline, which is in you. I think that's the biggest high in the world. It's better than coke and hash and smack and acid and crack and you name it. Quaaludes, uppers, downers, you know. तो चलिए अब बात करते हैं छठे नंबर पर। हमारे इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं विजय राज। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने कि एक वक्त एक कॉमेडियन होते हुए पूरी फिल्म को अपना नाम दे दिया और वो फिल्म थी रन, जिसे कि हम आज भी विजय राज के कौवा बिरयानी से जानते हैं। मगर साल 2005 में दुबई के एयरपोर्ट पर ड्रग्स के नशे में पाए जाने के कारण इनका करियर एकदम तबाह हो गया था, मगर विजय राज ने बॉलीवुड में कम बैक करके फिर से वो जगह हासिल कर लिया। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं फरदीन खान। लेजेंडरी और टैलेंटेड एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना सके और एक्टिंग में सुर्खियां बनाने की जगह इन्होंने ड्रग्स स्कैंडल में सुर्खियां बटोरी जब ये मुंबई के जुहू एरिया में ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। इस लिस्ट में हमारे अंतिम और आठवें नंबर पर हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो जब एक्टिंग स्कूल में थे तब वो रोज़ ड्रग्स लिया करते थे और रॉकस्टार फिल्म के कुछ सीन्स के दरमियान भी वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे ताकि उनकी एक्टिंग और भी ज़्यादा रियल लगे। तो दोस्तों, हमारा ये था आज का वीडियो जो कि उन एक्टर्स पे बेस्ड थी जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, बॉलीवुड में चल रहे ड्रग स्कैंडल को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और यह वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।